शाम कहानी कैसे आए शाम धनी, सुन लो मेरी जबानी। बंठन कर बैठा है सांवरा दुनिया शाम दीवानी, आओ सुनाए तुमको शाम कहानी। खाटू वाले शाम धनी की महिमा अगम बखानी। सारी दुनिया जपे नाम है सांवरे, किस किस को पता शाम कैसे बने। सारी दुनिया जपे नाम है सांवरे, किस किस को पता शाम कैसे बने। किस किस को पता शाम कैसे बने। वीर बर्बर की छोटी सी कहानी, जग में कोई नहीं है इनका सानी। बंठन कर बैठा है सांवरा दुनिया शाम दीवानी, आओ सुनाए तुमको शाम कहानी। खाटू वाले शाम की महिमा अगम बखानी। दानवीर है ये, कर्मवीर है ये, हर जग में द्वार भीड़ बड़ी। दानवीर है ये, कर्मवीर है ये, हर जग में कोई है भीड़ यही। हर जग में कोई है भीड़ यही। हारने वाले जीत जाएंगे शाम की है ये वाणी। सबसे ऊंचा शाम की निशानी। बंठन कर बैठा है सांवरा दुनिया शाम दीवानी, आओ सुनाए तुमको शाम कहानी। खाटू वाले शाम की महिमा अगम बखानी। जिसका कोई नहीं शाम का संग पाया। द्वार जो भी आया न खुद को खाली पाया, जिसका कोई नहीं शाम का संग पाया। जिसका कोई नहीं शाम का संग पाया। शाम की महिमा जग में अगम बखानी। जग में कोई नहीं है इनका सानी। बंठन कर बैठा है सांवरा दुनिया शाम दीवानी, आओ सुनाए तुमको शाम कहानी। खाटू वाले शाम की महिमा अगम बखानी।
और भोला भैया का हाल चाल है? बढ़िया है भैया, तुम सुनाइए। सब एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। सब कुशल मंगल है, सब प्रभु की कृपा है, सब बढ़िया है। ठीक है भैया, सब एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। और तुम्हारी राधा गैया कैसी राधा है? राधा भी बहुत अच्छी है। जय हो बंसी वाले तेरी कि जय हो राधा रानी। अरे राम, अरे हाय राम, ये क्या हो गया राधा को? आज दूध क्यों नहीं दे रही है? आज राज दरबार में क्या लेके जाऊंगा? पिछले दो दिनों से ऐसे ही कर रही है राधा, और अगर मैं राजा को दूध नहीं दूंगा तो राजा साहब सोचेंगे कि मैं चोरी चोरी दूध बेच दे रहा हूं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या हो गया राधा को, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे राम, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? अरे रामदीन, क्या हो गया, कैसे मुंह लटकाए बैठे हो? कहीं राधा तो नाराज नहीं है? अरे क्या बताऊं भोला भैया, ये राधा तो मुझे मृत्युदंड दिलवा के ही रहेगी। अरे ऐसी क्या बात है, साफ साफ बताओ, पहेलियां ना बुझाओ। अरे भोला भैया, पता नहीं राधा को क्या हो गया, थन को हाथी नहीं लगाने दे रही है। तुम और तुम्हारी राधा की तो ये आम बात है, हर तीसरे चौथे दिन तुम्हारी कहानी शुरू हो जाती है। बात तो सही कह रहे हो भैया, लेकिन क्या हुआ रामदीन भैया, कैसे परेशान हो? राधा दूध धोने नहीं दे रही है, थन को हाथी नहीं लगाने दे रही है। अरे भैया, चारा पानी दे रहे हो या नहीं? दे ही रहा हूँ, चारे में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी थन को हाथी नहीं लगाने दे रही है। पता नहीं इसको क्या हो गया। बात तो चिंता की है, बहुत परेशान हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? भोला, तुझे तो मालूम है मैं राधा की कितनी सेवा करता हूँ, और ये बात राधा भी अच्छे से जानती है, लेकिन पता नहीं उसको आज क्या हो गया है। अगर आज राजमहल में राधा का दूध नहीं पहुंचाना तो पता नहीं महाराज मुझे क्या दंड देंगे। तू चिंता मत कर, चल दोनों गऊओं को लेकर जंगल में चराने के लिए चलते हैं, फिर आके इसका दूध निकाल लेना, क्या पता तेरी राधा का क्रोध शांत हो जाए। ठीक कह रहे हो भैया, आओ चलते हैं, राम जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। रामदीन यार, एक बात समझ नहीं आ रही, महाराज के पास इतनी सारी गैया हैं, तो भी वो इस राधा गाय का दूध क्यों पीते हैं? बड़े लोगों की बातें बड़े ही जाने, क्या मालूम। भोला भैया, घर जाने का समय हो गया है, गायों को हांकना शुरू करते हैं, गौशाला चलते हैं, और राधा का दूध लेकर महल भी तो पहुंचना है। Thank you.
राम जी की जय हो राधा रानी। आज दूध। अरे 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 आज क्या हो गया राधा को? आज ये दूध क्यों नहीं दे रही है? ये तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। हे राम, क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? और सब बढ़िया है? नहीं भैया, घर परिवार में सब बढ़िया है ना भैया? हाँ हाँ सब बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है भैया, कृपा है। हाँ मेरा भी अच्छा है भैया। अरे भैया, राधा को लेकर बहुत परेशान हूँ भैया। चलो, पता नहीं राधा क्या करेगी। अरे भोला भैया जरा सुनो। अरे भैया, पता नहीं क्या हो गया है राधा को, दूध दुहने ही नहीं दे रही है। अच्छा, आज अगर राजमहल में राधा का दूध नहीं पहुंचाना तो सभी लोग यही सोचेंगे कि मैं राधा का दूध चोरी से बेच देता हूँ। बहुत परेशान हूँ भैया। देख, एक काम कर, हम दोनों मुखिया जी के पास चलते हैं। बात तो सही है, और वहां जाकर उन्हें सारी बात सच सच बताने में ही फायदा है। सही कहा था भैया, चलते हैं श्रीमान जी के पास। चलो। जय हो। श्रीमान जी से मिलना था। यही प्रतीक्षा करो, मैं अभी पूछकर आता हूँ। जी। दिन रात काम काज में लगे रहते हो, कभी विश्राम आराम भी कर लिया करो। पिताजी, कभी आप घर में भी तो समय दिया कीजिए। अरे भाग्यवान, महाराज ने मुझे राज्य के लेखा जोखा का कार्य सौंपा है, अब मैं काम करूं या विश्राम करूं? मंत्री जी की जय हो। मंत्री जी बाहर रामदीन और भोला आपसे मिलना चाहते हैं। चलो मैं आता हूं। रामदीन, कैसे आना हुआ रात को? राम राम श्रीमान जी। राम राम। कैसे चिंतित लग रहे हो, कैसे चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? श्रीमान जी, वो महाराज की सबसे प्रिय गाय। क्या हुआ राधा को? पता नहीं श्रीमान जी, तन को हाथ ही नहीं लगाने देती। दाना पानी आप ढंग से दे रहे हो कि नहीं? नहीं नहीं श्रीमान जी, ये बात नहीं है। मैं सबसे ज्यादा राधा का ध्यान रखता हूँ, मालूम नहीं उसको क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल में जाती हो और कोई उसका दूध पी जाता हो? श्रीमान जी, कई बार तो हमने भी सुना है कि जहरीले सांप दुधारू गाय का दूध पी जाते हैं, पर मालूम नहीं। तू चिंता न कर रामदीन, मैं सब संभाल लूंगा। अगली बार ध्यान रखना, राधा जब जंगल में जाए तो तुम उसके साथ जाना। जी। जिससे सच्चाई का पता चल सके। श्रीमान जी, राम राम। Ah!
अरे राधा तो अभी यहीं थी, कहाँ चली गई? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे ये कहाँ जा रही है राधा? अरे अरे संभल के जाना, आज तो पता लगा के रहूंगा ये कहाँ जा रही है। ये देख भोला, कैसे अपने आप थर से दूर निकल रहा है। देख देख भोला, राधा के थर से दूर निकल रहा है। कल तुमने देखा ना भोला, राधा के थन से अपने आप कैसे दूध निकल रहा था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा संभल कर लेना, देखो इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तुझे ही घूर रही है रामदीन, देख रहा है इसके लक्षण? पता नहीं, ये तो तुझे ही घूर रही है रामदीन, इसका कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तो कुछ ऊपरी चक्कर लग रहा है। टोना टोट का लग रहा है। सही कह रहे हो भैया, चक्कर लग रहा है। जो भी हो भैया, मुखिया जी को सच सच बताना ही होगा, नहीं तो जान पे बात आ जाएगी। यही बात है, कल कुछ होना हो चलो मुखिया जी के पास चलते हैं और सच सच बताते हैं। चलो। देखो ये कैसे मुड़ मुड़ के तुम्हें ही देख रही है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा भैया। चलो चलो चलो। अरे अरे क्या हुआ, रामदीन और भोला क्यों नहीं आए अभी तक? महल में दूध नहीं पहुंचा राधा का, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर महाराज ने पूछा तो क्या बताऊंगा? उत्तर देना कठिन हो जाएगा। खम्बागणी श्रीमान जी, खम्बागणी श्रीमान जी। खम्बागणी, खम्बागणी महाराज। क्यों परेशान हो, कैसे चिंतित खड़े हो, क्या बात हुई, कुछ तो बोलो रामदीन। अरे मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ रामदीन क्या हुआ, कुछ पता चला रहा था का? खम्बागणी श्रीमान जी, किंतु 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 आज जो मैंने देखा वो मेरे समझ के परे है। क्या समझ के परे है? श्रीमान जी, श्रीमान जी, मैंने देखा कि राधा जंगल में जाती है और एक स्थान पे उसके थल से अपने अपने आप दूध निकलता है। श्रीमान जी, अपने आप दूध निकलता है। झूठ मत बोलो, पागल मत बनाओ मुझे। श्रीमान जी मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं श्रीमान जी, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर 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 आपको यकीन ना हो तो मैं आपको उस स्थान पे लेके चल सकता हूँ। ठीक है, कल मैं महाराज के साथ में वो जगह देखने के लिए चलूंगा। जी जी श्रीमान जी, खम्बागणी। भगवान जाने क्या चक्कर है इनका। मंत्री जी, आपको उन ग्वालों की बातों पे यकीन है क्या? सच्चाई का पता तो वहीं जाकर चलेगा महाराज। ठीक है, अब तो सच्चाई का पता लगाकर ही जाएंगे। जी महाराज। देखो रामदीन, महाराज को हम वहीं लेकर चलेंगे जहां राधा दूध देती है, समझे? ठीक कहते हो भैया, बस आज भी राधा वहीं चली जाए जहां वो रोज जाती है,
फिर तो काम हो ही जाएगा। हाँ प्रभु जाने। खंभागणी महाराज, खंभागणी मंत्री जी। खंभागणी रामदीन, बताओ क्या बात है? बहुत गंभीर समस्या है महाराज, आइए खुद ही देख लीजिए। चलिए महाराज। महाराज पिछले 3 दिनों से ही ऐसा हो रहा है, मैं और भोला देख रहा हूँ, किसी को हमारी बातों पर यकीन ही नहीं महाराज। ठीक है चलिए चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ महाराज हो क्या रहा है पिछले 3 दिनों से मेरे साथ। चलिए चलिए। राधा गाय के साथ, वो देखिए महाराज, ये देखिए राधा का दूध निकल रहा है। ये क्या देख रहे महाराज? देखिए कैसे अपने आप दूध निकल रहा है। देखिए महाराज, देखिए मंत्री जी, देख लो सब लोग, देख लो। ये क्या हो रहा है मंत्री जी? गाय का दूध अपने आप कैसे निकल रहा है? देखिए। राम राम राम, ये कैसा अनर्थ? देखिए महाराज, लगता है राज्य पे कोई बड़ा संकट आने वाला है। महादेव, हे महादेव, लगता है मेरे राज्य पे कोई बड़ा संकट आ गया है। हे माँ भवानी, हे दसों दिशाओं के दिक्पाल, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, यह हमारे राज्य पे कैसी विपदा आन पड़ी है। मंत्री जी। जी महाराज। हमारे सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया जाए, किसी भी समय कोई शत्रु हमारे राज्य पे आक्रमण कर सकता है, या कोई राक्षस या कोई मायावी चाल भी हो सकती है। आप चिंता न करें महाराज, हमारी सेना हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। खंडेला नरेश, ये क्या हो रहा है? हे राजन, कौन हो तुम? मैं हूँ परमरी, मेरे सामने क्यों नहीं आते? पराक्रमी योद्धा पांडुनंदन भीम का पुत्र और बलवरी, महाबलशाली क्यों नहीं आते? हटोत्कच एवं माता मौर्वी का पुत्र मैं हूँ परमरी। शांत हो जाओ खंडेला नरेश, तुम्हारे राज्य पर कोई विपदा नहीं आने वाली। राजन, तेरी सत्यता, निष्पक्षता एवं दान प्रवृत्ति को देख स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से जगत में प्रसिद्ध होने का वरदान दिया है और कहा है कि तुम सर्वदा हारे का सहारा बनोगे, तुम्हारे द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं जाएगा। तुम संपूर्ण जगत में मेरे नाम अर्थात श्याम के नाम से पूजे जाओगे। हे खंडेला नरेश, गौ माता राधा के दुग्ध का पान मैं ही किया करता था, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे राज्य का यह खाटू ग्राम संपूर्ण जगत में मेरे नाम अर्थात खाटू श्याम के नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा और इस खाटू नगरी में मेरा ही निवास होगा और ये गांव खाटू ग्राम के नाम से जगत विख्यात होगा। जहां पर गौ माता मुझे दूध का पान कराती थी, उस स्थान की तुरंत खुदाई प्रारंभ करो। तुम्हें मेरा शिला शालिग्राम प्राप्त होगा। हे राजन, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना एवं भव्य मंदिर का निर्माण करना। तुम्हारा राज्य संपूर्ण जगत में समृद्ध होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मंत्री जी। जी महाराज। इस स्थान की तुरंत खुदाई कराई जाए और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। जो आज्ञा महाराज। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। सुनाए तुम
श्याम धनी सुन लो मेरी जबानी, बंठन कर बैठा है सावरा दुनिया श्याम दीवानी। आओ सुनाए तुमको श्याम कहानी, खाटू वाले श्याम धनी की महिमा अगम बखानी। सारी दुनिया जपे नाम है सांवरे, किस किस को पता शाम कैसे बने। सारी दुनिया जपे नाम है सांवरे, किस किस को पता शाम कैसे बने। किस किस को पता शाम कैसे बने। वीर बर्बरी की छोटी सी कहानी, जग में कोई नहीं है इनका सानी। बंठन कर बैठा है सावरा दुनिया शाम दीवानी। आओ सुनाए तुमको शाम कहानी,